नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो बुक नंबर 1 में, थोड़ा उससे ही मिलता जुलता ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। सो क्या होता है मीनिंग इसका? ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। अब आप पता बोलोगे कि सर ये क्लस्टर ड्वेलिंग मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब बेटा आपका होता है ग्रुप, यू कैन से इट्स द मतलब होता है इसका ग्रुप या समूह, ठीक है। एंड ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आवास, यानी कि हमारा घर जहाँ पे हम रहते हैं। सो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा आवास मतलब ग्रुप है। ग्रुप किसका है? इंसानों का, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, उसका ग्रुप। सो ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। इंसान जहाँ पे रहता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप। सेटलमेंट्स जो होते हैं वो अपने साइज में भी छोटे मतलब ये कहीं से छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और वो हर तरह के भी होते हैं। दे रेंज फ्रॉम, वो एक हैमलेट में भी हो सकते हैं और वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैमलेट? इट मीन्स छोटा गांव। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन? जैसे आपका दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, बड़े शहर जो होते हैं आपका। विथ साइज द इकोनॉमिक करेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट्स चेंजेस एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। भाई देखो, सिंपल सी बात है ना, एक कंट्री में आप गांव में रह रहे हो, आप शहर में रह रहे हो, वहाँ पे आपका उस एरिया का साइज मैटर करता है। बहुत सी फैक्टर होते हैं इसके मैटर करने के पीछे। नेक्स्ट पॉइंट पे, सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेड। वो छोटी भी हो सकती हैं और वो आपकी बड़ी अलग अलग जगहों पर हो भी सकती हैं आपका। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल याद होगा आपको, बुक नंबर 1 में हम लोगों ने चैप्टर भी डिस्कस किया था, उस जैसी क्या भी बात हो रही है। दे मे बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेड। वो दूर दूर भी हो सकती हैं, वो पास पास भी हो सकती हैं, वो छोटी भी हो सकती हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं आपके। दर स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस। जो बिल्कुल ना छोटा सा एक एरिया है, उसमें छोटे छोटे गाँव, छोटे एक गाँव में घर है बहुत सारे, उनको हम लोग विलेज बोलते हैं तरीके से आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। जो होते हैं विलेज, यानी कि जो होते हैं गांव की सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो क्या होती है? दे इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। ये लोग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका बिजी रहते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर फ्यूअर बट लार्ज सेटलमेंट्स विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स। अब जो लोग रहते हैं शहरों में, उनको एक तरह से बताते हैं आपको, उन एरियाज को हम लोग बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। सो इन शॉर्ट अगर बताऊँ मैं आपको, तो जो लोग रहते हैं रूरल एरियाज में, गाँव में, दे एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड जो रहते हैं शहर यानी कि अर्बन में, वो दे एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ये हो सकता है आपका ये। अब हम लोग एक बार ज़रा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक है। बिग डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। तो पहला क्या होता है? द रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये लोग जो होते हैं, ये अपनी डेली की जिंदगी काटने के लिए अपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं। इनके पास ना गाड़ियाँ हैं, ना टीवी है, ना फ्रिज है, ये बहुत सिंपल सदे लोग होते हैं। वेयर एस अगर हम बात करते हैं गाँव शहर वालों की, अर्बन की, डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये डिपेंड होते हैं इनके ऊपर, अगर ये कच्चा माल देंगे तभी उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी तो आगे होगा ना, तभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तभी इनको जॉब्स मिलेंगे, तभी इनके पास सैलरी, तभी बिल पर पे कर पाएंगे। ये सब आता है इसमें आपका। एंड वैरायटी ऑफ सर्विस ऑन द अदर। तो ये समझ गए होगे आप कि इन दोनों के जो तरीके हैं काम करने के अलग अलग हैं, ठीक है। अर्बन वाले लोग जो है डिपेंड है सेकेंडरी टर्शियरी पे, और जो लोग हैं आप लोग लड़के वो डिपेंड है किस पे आपके? वो डिपेंड है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे आपका ही। सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स बट आल्सो टू द पीपल ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। सिटीज शहर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना, किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, क्योंकि चाहे आप अर्बन हो चाहे आप रूरल हो, आप सभी की इनकम को मिला के देखोगे तभी बनती है आपकी नेशनल, तभी बनती है आपकी GDP। सो इन देयर हिंटरलैंड्स इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स दिस फंक्शनल रिलेशनशिप
between the urban and rural settlements takes place through transport and communication network. अब रूलर हो चाहे आपका अर्बन हो, क्या हो आपका रूलर हो चाहे आपका अर्बन हो, दोनों में क्या होता है, दोनों के बीच में एक कहते हैं ना एक कनेक्शन, एक नेटवर्क जो होता है सेट, उसे कौन करता है, उसे बेटा ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है आपका वो एक चीज बनाते हैं आपके लिए, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, रूलर एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप. यानी कि अगर हम लोग एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी बातें हो सकती हैं आपकी सेम, बट अगर हम लोग अगर देखते हैं इनके रिश्तों के बारे में तो इनके पहनावे में, इनकी बोलचाल में, इनके एटीट्यूड में हर कोई डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट. ये लोग ना एक ही प्लेस पर रहने वाले हैं, इनको ये नहीं कि सर्दियाँ हैं तो कसोल जाएंगे, गर्मी है तो गोवा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनका. दे आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है ना, फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट्स. अगर हम अर्बन की बात करें सो इनकी लाइफ थोड़ी कम्प्लेक्स होती है एंड फास्ट, ये कहते हैं ना बहुत तेज़ी में काम करने लोग होते हैं आपके, एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल. यानी कि इनके रिश्ते जो होते हैं वो इनफॉर्मल, बड़े मतलब बड़े कहते हैं ना उसको आप तरीके से बड़े फॉर्मेलिटी वाले लोग जो आपके काम करते. सो बेटा बिल्कुल हम लोगों ने इस चैप्टर में जो ना अभी स्टार्टअप लोगों ने बिल्कुल बेसिक किया है. हमारे अगली वीडियो हम लोग बेटा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से.